लेकिन आज मैं हूँ नहीं। आपको समझाने वाले हो, घर के बड़े हो, घर के गार्जियन हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरे चलो मत आओ, ठीक है, लेकिन घर का कोई जाकर जो भी मर जाएगा तो मुंह भी नहीं देख पाओगे तुम। ये अभी जाने लो कि तुम लगा उससे सपना जो सोच रहे हो बाद में तुम सोच रहे हो, तो मैं इसके आगे बात करें। इससे भी अलग अलग झगड़ा होता है, तब तो कभी नहीं गए। और बताइए, इतना रो रही है बेचारी, आप लोग को समझने का कोशिश करिए, इतना रो। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ। वैसे भी फिलहाल में आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, मोबाइल तो हर दुनिया में पूरा तरफ फैल चुका है, यूट्यूब पे छा गया है चारों तरफ। और बहुत दुख की बात है, बहुत टेंशन की बात है, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है वो गुरुप्रिया भाभी के साथ। तो प्लीज़ ऐसा ना हो, ऐसा बेहुदा वहुदा, मतलब ऐसा मत उठाइए सवाल, ऐसा उल्टा पुल्टा मत। हाँ जो सही है भाई सही है, गलत रहेगा तो इतना कोई थोड़ा नाटक करेगा। पहले बता, FIR हुआ सवाल जाके, गोरखपुर में FIR वगैरह सब दर्ज हो गया है, उसके बावजूद भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आप मतलब? लोग मजाक मत उड़ाइए, जिंदा आदमी को ऐसा गला में हार मत पहनाइए। सबके घर में ऐसा हो जाए तो बताइए अच्छा लगेगा, शोभा देगा, नहीं देगा ना। हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, कितना रो रही है, हम लोग के आंख में भर जाता है आंसू देख देख के। बताइए आप लोग के पास दिल है कि पत्थर है? आप लोगों को ऐसा सवाल मत उठाए। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितने लोग हैं मजाक उड़ा रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, प्लीज ऐसा सवाल मत करिए, ऐसा बेहुदा उल्टा पुल्टा वीडियो मत बना के डालिए। बनाना है तो अच्छा बनाइए, बस अच्छा बनाइए वीडियो। एक वीडियो बनाया, उसमें फोटो लगाया है, फोटो लगाने के बाद से हार चढ़ा दिया है उसके ऊपर से। बताइए तो पहले से टूटे हैं आप लोग, ऐसे ही थंबनेल में लिखा है कि मर गए। बताइए ऐसा करना चाहिए? उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली है, टूट जाएगा। बताइए कोई जिंदगी ये करेगा जाके, बचाएगा, सवाल उठाएगा पूरा जिंदगी के लिए? नहीं ना, सबका पेट पड़ता है, सब कोई खाता है, सब कोई अपना जीना मतलब जीता है अच्छे से। लेकिन ऐसा मत करिए आप लोग, वीडियो बनाइए, अच्छा बनाइए, अच्छे से बना के डालिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप उनको सपोर्ट करिए, आप लोग हौसला बढ़ाइए भाभी को, तो भाभी को मिल जाए जल्दी से, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी मिल जाए। पता नहीं लोग क्या कर दिए हैं, किसकी नजर लग गई है बेचारा, पता नहीं किधर है, कहाँ पे है, कुछ तो आता पता है नहीं। हम तो मिले नहीं है भाभी से। एक बात और है आप लोगों से बताना चाहती हूँ, हम लोग भी उधर के रहने वाले हैं, गोरखपुर के उधर, इसलिए हम लोग को भी पड़ता है। लेकिन हम लोग भाभी से नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान चाहेंगे, पप्पा चाहेंगे तो जरूर मुलाकात होगा। लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। वो नखरा नहीं कर रही है, हकीकत के आंख में से आंसू आ रहा है, अभी बूढ़ गुजुर्ग नहीं, नखरा रहता तो 1-2 दिन रहता, 5-6 दिन हो गया, इतना दिन थोड़ी कोई नखरा बनाएगा। बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रो रहे हैं बिलिक बिलिक के, कितना तकलीफ हो रही है देख देख कर, बुरा हाल हो गया है। बताइए कोई ऐसा करेगा नाटक बनाएगा? ऐसा नाटक कोई करता है? नहीं करता है, सब कोई। अभी बहुत लोग ऐसे बोले नाटक है, ये है, वो है, तब ऐसा भाई लोग आप लोग मजाक मत उड़ाइए, सबका ऐसा बेहुदा ऐसा मत बना बना के मजा लीजिए आप लोग। आपके भी घर में माँ है, बहन है, दीदी है, सब कोई है, तो वीडियो लोग बनाते हैं, तो ऐसा मजबूरी का फायदा मत उठाया करिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, और देखिए कितना वो बेचारी तड़प तड़प के रो रही है, हमको तो देखकर बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र में बंबई में नहीं होती तो मैं उनके घर पे होती, लेकिन आज मैं हूँ नहीं। आपको समझाने वाले हो, घर के बड़े हो, घर के गार्जियन हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरे चलो मत आओ, ठीक है, लेकिन घर का कोई जाकर जो भी मर जाएगा तो मुंह भी नहीं देख पाओगे तुम। अभी जाने लो कि तुम लगा उससे सपना जो सोच रहे हो बाद में तुम सोच रहे हो, तो मैं इसके आगे बात करें। इससे भी अलग अलग झगड़ा होता है, तब तो कभी नहीं गए। बताइए, इतना रो रही है बेचारी, आप लोग को समझने का कोशिश करिए, इतना रो रही है बेचारी, कितना वो टूट गई है अंदर से। और कितना आप लोग मतलब वीडियो बनाते, कितना ये करती हैं, इज्जत करती हैं, कदर करती हैं, आप लोग ऐसा मत करिए उनके ऊपर, ऐसा मत सवाल उठाइए, उनको सपोर्ट करिए, हौसला बढ़ाइए। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, उनके महादेव जी आएंगे। तो भाई आप लोगों को पता है किधर है, किस गली में है, किस शहर में है, प्लीज आप लोग कमेंट में।
वो तो बहुत लोगों को देखे हैं, जानते भी हैं, तो कोई भी भाई देखता होगा तो और प्लीज। बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनको तो पूरा सोर्स है, चारों तरफ फैल गया है, नाम पता, जिला सब कुछ है, गोरखपुर जिंदाबाद है। तो प्लीज आप लोगों को मिल जाते हैं महादेव जी, भाभी का हस्बैंड जी, तो प्लीज आप लोग नंबर खुद मालूम है, पूरा नंबर, पूरा डिटेल, कहानी सब कुछ आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। अब प्लीज फटाक से कॉल करके मिलवा दीजिए प्लीज। ऐसा कोई बिछड़ जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। भगवान जोड़ी बनाए हैं तो सलामत रखें, वो जहाँ भी होके बप्पा माता रानी अच्छा रखे, मैं तो यही बोलूंगी कि शायद वो अच्छे रहें, मस्त रहें। किसी ने किडनैपर किया है कि क्या किया, हम लोग तो पता नहीं है, तो किसी को दुश्मनी साधना, तो उनको भी मैं बोलती हूँ ऐसा मत करिए। आपके भी बाल बच्चे हैं, कितने लाड दुलार से माँ बाप पैदा करते हैं, बड़े होते हैं बच्चे, तो ऐसा मत करिए। कोई जान लेगा, कोई ये करेगा, ऐसा मत करिएगा। आप लोग उनके मतलब रखे हैं चाहे कुछ किए हैं तो प्लीज उनके घर पर छोड़ दीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए, वो खुद देंगी, खुद हम लोग सपोर्ट करेंगे, मिलजुल के सारे लोग बोल रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए। ये मेरा वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा प्लीज, आप लोग पूरा शुरू से अंतिम तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए वीडियो, कि वो महादेव जल्दी मिल जाए भाभी का और घर पे आए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, गलती कोई बोलती हूँ तो उसको माफ कर दीजिएगा हमको।